हमने वाइल्ड लुक्स पढ़े थे, किसी को कोई क्वेश्चन हो या कोई प्रोग्राम समझ ना आया हो। आज पार्टिसिपेंट्स को खैर है, कोई भी नहीं बोल रहा हूँ। नो मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग देखेंगे फॉर लूप्स। फॉर लूप्स आर इजियर देन व्हाइल लूप्स, मुझे लगता है। फॉर लूप्स हम लोग क्यों यूज करते हैं? आइट्रेट करने के लिए ओवर सीक्वेंस, और वो सीक्वेंस कोई स्ट्रिंग हो सकता है, कोई लिस्ट हो सकता है, टपल सेट या डिक्शनरी हो सकती है। अब जैसे हम व्हाइल लूप में पहले क्या करते थे कि एक इंडेक्स पहले से उसको आइडेंटिफाई कर देते थे, जैसे ऊपर हम आई यूज करते आ रहे हैं। इसमें ऐसा करने की जरूरत नहीं कि इंडेक्स पहले हम आइडेंटिफाई करें और फिर उसको आइट्रेट करें, सॉरी इंक्रीज करें उसका नंबर। जैसे यहाँ पे हम लोगों को आई को पहले इंट्रोड्यूस करना पड़ता था, उसको एक वैल्यू दी हमने और फिर हम लोग उसकी वैल्यू को इंक्रीज करते रहते हैं। अगर ये हम इंक्रीमेंट उसकी वैल्यू में नहीं करते तो फिर क्या होता है? मैं आप लोगों को बुलवाना चाह रही हूँ एक्चुअली। अगर हम इस वैल्यू में, आई की वैल्यू में ये इंक्रीमेंट ना करें तो फिर हमारे पास क्या प्रॉब्लम आती है? और हम आप बताएं। मैम ये एक दफा ही चलती फिर मैम, नहीं, असल में मैंने कल वाली क्लास नहीं ली, मुझे आइडिया नहीं है। इनफिनिटी जी बिल्कुल इनफिनाइट लूप बन जाती है, कभी एंड ही नहीं होती अगर हम आइट्रेट ना करें, क्योंकि इस कंडीशन के मुताबिक वो हमेशा एक ही वैल्यू रहेगी। अगर एक दफा कंडीशन लूप लूप की कंडीशन ट्रू हुई है तो फिर वो कंडीशन हमेशा ट्रू ही रहेगी उस वैल्यू के साथ, तो वो इनफिनाइट लूप, नेवर एंडिंग लूप बन जाएगा। फॉर लूप में ऐसा करने की जरूरत नहीं है। फॉर लूप में क्या होता है कि आप जो आइटरेटर या ये पॉइंटर आप यहाँ पे यूज करें, तो ना ये वेरिएबल जिसको मैंने आई का नाम दिया, वो ऑटोमेटिकली पहले फर्स्ट करेक्टर को देखता है, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, वो खुद ही चलता रहता है हर आइट्रेशन के साथ साथ। इसका भी सिंटेक्स कुछ इस तरह से है कि फॉर, इसमें कंडीशन नहीं देनी पड़ती, सिंपली हम बता देते हैं कि ये वेरिएबल है और ये किस में वेरिएबल है, इस स्ट्रिंग में, और इसके बाद क्या करना है वो फॉर लूप के अंदर हम इंडेंटेशन के बाद जो भी चीज लिखेंगे इसका मतलब है वो फॉर लूप के अंदर आ रही है, उसकी फॉर लूप की कमांड के बाद अगर वर्ब में वो आ रही है चीज तो फिर ये आएगी। आइट्रेट करने का मतलब ये है कि आइट्रेट ओवर अ सीक्वेंस के, जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक स्ट्रिंग है, आ स्ट्रिंग के नाम से मैंने ले ली, लेट्स लर्न पाइथन। इसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। हम लोगों ने ऊपर देखा जब हमने स्ट्रिंग्स पढ़ी पहले, तो हमने देखा कि स्ट्रिंग क्या होती है। एक्चुअली एक एरे होती है कैरेक्टर्स की, एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। एल एक करेक्टर है, ई एक करेक्टर है, सिमिलरली ये अपोस्ट्रॉफी और एक करेक्टर है, और यहाँ तक कि ये जो स्पेस है इन दोनों के दरमियान ये भी एक करेक्टर है। अब इन सब करेक्टर्स को वन बाय वन फॉर लूप अप्रोच करेगा, रीच करेगा फर्स्ट आइट्रेशन में, यानी फर्स्ट टाइम जब फॉर लूप चलेगा तो इसका पॉइंटर, इसके पॉइंटर के पास क्या वैल्यू होगी? फर्स्ट करेक्टर जो इंडेक्स 0 पे, यानी एल, उसके बाद सेकेंड आइट्रेशन में ई, फिर टी, अंटिल ये लूप खत्म नहीं हो जाती, यानी ये स्ट्रिंग जिस पे हम, जिस सीक्वेंस के ऊपर हम लोग ये लूप यूज करें वो खत्म नहीं हो जाता। इसको हम रन करें तो ये देखें हर करेक्टर को उसने वन बाय वन लिख दिया, लेट्स लर्न पाइथन। स्पेसिस को भी उसने दरमियान में लिखा और यहाँ पे फुल स्टॉप को भी उसने एक नंबर दे एंड पे आइटरेट किया। इसी को कहते हैं कि आइट्रेट करना। आप लोग स्ट्रिंग के ऊपर आइट्रेट कर सकते हैं, इसको लिस्ट के ऊपर, टपल के ऊपर भी आइट्रेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे तो एक स्ट्रिंग थी, अगर मैं यहाँ पे एक लिस्ट ले लू, फॉर एग्जाम्पल मैंने माई लिस्ट इसका नाम रख दिया, और लिस्ट में कोई भी रैंडम वैल्यूज हैं, अब मैं इसको आइट्रेट करना चाह रही हूँ, तो उसके लिए फिर वही सिंटेक्स फॉर आई लिख लें या फिर कुछ भी लिख लें।
इधर मैंने नेम चेंज करने का मकसद ये है कि आपको समझ आए कि हमेशा हमने कोई आई या कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है या कोई कीवर्ड नहीं है, या हम लोग बस एक आइडेंटिफायर के तौर पर लिख रहे हैं कि आइटम्स किस में है, माई लिस्ट में, तो माई लिस्ट के आइटम्स को वो आइट्रेट कर देगा. हर आइटम को उसने आइट्रेट कर दिया. अच्छा अब यहाँ पे आपको ये मैं विजुलाइजर में दिखा दूँ ताकि आपको पता चले कि ये लूप एक्चुअली किस वैल्यू को पहले पहले स्टोर कर रहा है और नेक्स्ट आइट्रेशन में किसको स्टोर कर रहा है. देखें एक लिस्ट हमारे पास बन गई माई लिस्ट के नाम से और इसके अंदर वैल्यूज क्या है, 0 इंडेक्स पे 3 है, 1 इंडेक्स पे 5 और अंटिल 3 इंडेक्स पे एक स्ट्रिंग है एप्पल. अब जब फॉर लूप चलेगी आइटम्स इन माई लिस्ट, अब ये जो आइटम्स हैं ये देखेगा कि माई लिस्ट में क्या क्या आइटम्स हैं, प्रिंट आइटम्स. पहला आइटम जो उस आइटम के पास वैल्यू थी ना, क्योंकि पहले देखिए पहले आइट्रेशन में आइटम ने क्या वैल्यू ली, 3, वो 3 प्रिंट हो जाएगा. अब नेक्स्ट आइट्रेशन में हमने इसको ये नहीं कहा कि आप एक वैल्यू इंक्रीज कर दो इस इंडेक्स में, ये खुद ही कर लेगा. नेक्स्ट आइट्रेशन में इसके देखें वैल्यू 5 जो कि इस लिस्ट का नेक्स्ट आइटम है और वो प्रिंट हो जाएगा. उसके बाद आइट्रेशन में नेक्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू ट्रू वो आइटम्स ने कैरी कर ली है, आइटम्स जो कि हम पहले आई भी यूज करते थे उसको प्रिंट कर दिया. और फिर नेक्स्ट उसके बाद वाली आइट्रेशन में अगेन उससे नेक्स्ट जो वैल्यू या जो आइटम होगा लिस्ट का उसको अप्रोच करेगा और उसको अपने अंदर स्टोर कर देगा. फिर अकॉर्डिंग टू द कमांड इन फॉर लूप ये इसको प्रिंट करेगा. गॉट इट? इस चीज में तो कोई इशू नहीं हुआ किसी को कि आइट्रेशन का मतलब समझ आ गया. आइट्रेशन क्या होती है, हर करेक्टर को स्टेप बाय स्टेप रीच करना, अप्रोच करना. फाइव फ्रेंड्स को क्लियर है ये चीज? जी मैम क्लियर है. मैम okay. वाइल में तो हम आई की वैल्यू स्पेसिफाई कर देते थे, तो अगर हमने इस केस में किसी मिड से स्टार्ट करना हो या कहीं और तो कैसे करेंगे? रेंज लगाएंगे, रेंज हम आगे पढ़ेंगे. बाय डिफॉल्ट इसमें ऐसा होता है कि क्योंकि हम किसी सीक्वेंस को आइट्रेट कर रहे होते हैं फॉर लूप में, कोई ऑब्जेक्ट भी होता है जिसके ऊपर हम फॉर लूप चला रहे हैं, तो उसके शुरू से लेकर आखिर तक वो चलती है अगर हम उसको रेंज स्पेसिफाई ना करें. डिफॉल्ट इसमें ये होता है. ठीक है, अगर आप लोगों को समझ आ रही है क्योंकि आज बहुत खामोशी है मीटिंग में, तो मैंने अभी पढ़ा देखा है हमने कि क्यों कोई भी सीक्वेंस हो सकता है. हमने पहले स्ट्रिंग को आइट्रेट किया, लिस्ट को आइट्रेट किया. अब यहाँ पे मैं एक टप्पल लिखती हूँ और उसको आइट्रेट कैसे करना है हर टप्पल के आइटम को ये लोग, ये मुझे आप लोग बताएंगे, मुझे कोड लिखवाएंगे. हाँ जी, अब इसके मैंने तीनों तीन इसमें आइटम्स हैं, तीनों को मैंने आइट्रेट करना है. कौन मुझे कोड लिखवाएगा? मलाइका रेहान क्या आप लिखवाएंगे कोड अगर आपको समझ आई तो? मैम मैं अभी आई हूँ, मैंने अभी क्लास ज्वाइन की ही है. मैम फॉर आई माइट अपॉन, एक मिनट रहेगा, फॉर आई इन माई टपल प्रिंट आई. अच्छा बस मुझे एक एक स्टेप बाय स्टेप बताना ताकि पता चले कि आपको सिंटैक्स की भी समझ आई है या नहीं. मैम इसके बाद कॉलन लगाना. हाँ जी, नेक्स्ट प्रिंट आई. Yes. ठीक है, बिल्कुल.
अच्छा, हमने वाइल लूप में कुछ चीजें पढ़ी थी, जैसे हमने पढ़ा था ब्रेक स्टेटमेंट, हमने कंटिन्यू पढ़ा था, वही चीज हम फॉर लूप में भी पढ़ेंगे। और ये अब आप लोग मुझे बताएं, वाइल में ब्रेक का क्या काम होता है? हम लोग ये सेम ऐसा ही कीवर्ड वाइल में भी यूज करते थे, क्या काम होता था उसका? तुरे आमना आप बताएं, वाइल में ब्रेक का क्या काम होता था? मैम वो कंडीशन को वहीं पे स्टॉप कर देता था। कंडीशन को स्टॉप कर देता था या लूप को? लूप को। हाँ जी, जहां पे वो कंडीशन ट्रू होती थी ब्रेक वाली, उधर लूप को स्टॉप कर देता था। तो फॉर लूप में इसका क्या काम होगा, कोई गैस? मैम सेम ही चीज करेगा, और क्या करेगा? अब जैसे कि यहाँ पे स्टेटमेंट है, इसमें भी इसमें यही ब्रेक करेगा। अब हमारे पास माय लिस्ट है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे स्टे फॉल आ रहा है, ठीक है, तो अब ये क्या करेगा कि फॉल तक जैसे ही आएगा वो उसको फॉर लूप को ब्रेक वो कर देगा, स्टॉप कर देगा। अच्छा बिल्कुल, वैसे इसने हर आइटम को करना था, लेकिन यहाँ पे फॉल जब उसकी ये कंडीशन ट्रू होगी कि इफ आई इज इक्वल टू फॉल इक्वल इक्वल, तो फिर क्या करो, ब्रेक कर दो लूप को। अब इसके बाद वो रेनी सीजन तक नहीं किया, लेकिन यहाँ पे फॉल भी प्रिंट हो रहा है। अगर मैं चाह रही हूँ कि फॉल प्रिंट ना हो इसी कंडीशन के साथ, तो फिर क्या करना पड़ेगा? मैम प्रिंट की जगह चेंज कर दें। प्रिंट की जगह चेंज कर दूँ, बिल्कुल। इसके बाद कंडीशन के बाद, लेकिन कंडीशन से बाहर विंटर समर एंड ऑटम, बिल्कुल ठीक। तो यानी कि ऊपर हम लोगों के पास इसलिए प्रिंट हो रहा था क्योंकि पहले आइट्रेशन के बाद वो प्रिंट कर देता था, उसके बाद कंडीशन चेक करता था। अब यहाँ पे पहले आइट्रेशन हुई, लूप के अंदर आया, अब कंडीशन जब ट्रू होगी तो फौरन वो इस कंडीशन के अंदर जाएगा जो कह रहा है कि ब्रेक कर दो लूप को, तो फिर प्रिंट करने का उसको मौका ही नहीं मिला। बिल्कुल ऐसे ही है, हाँ जी वही चीज मैंने इधर नीचे कोड में भी लिखी हुई है। अच्छा, कंटिन्यू स्टेटमेंट भी बिल्कुल ऐसे ही थी, फॉर लूप में वाइल लूप में सेम होती है। कंटिन्यू स्टेटमेंट जब हमने वाइल लूप में पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था कि वो उस लूप या उस आइट्रेशन को स्किप कर देता है जिसमें कंटिन्यू की कंडीशन लगी होती है। जैसे ये था कि अगेन वही वाली लिस्ट है, हमने अब कहा कि फॉर इफ आई इज इक्वल टू फॉल, तो कंटिन्यू यानी इस आइट्रेशन को आइट्रेशन कंप्लीट तब होनी चाहिए ना जब ये फॉर के अंदर वाली जितने भी लाइंस हैं, लाइन ऑफ कोड्स हैं, वो सब एग्जीक्यूट हो जाएं। लेकिन कंटिन्यू के बाद क्या होगा, लूप यहीं पे ये वाली आइट्रेशन लूप की यहीं पे एंड हो जाएगी और अगेन पॉइंट वन से यानी फॉर से स्टार्ट होगा। रिजल्ट उसका क्या होगा कि फॉल को फॉल के बाद ही प्रिंट वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी, तो वो प्रिंट ही नहीं होगा। देखें अभी सब हमारे पास जितने भी आइटम्स थे लिस्ट के वो सब प्रिंट हो गए हैं एक्सेप्ट फॉल, क्योंकि जब फॉल की प्रिंट होने की बारी आई तो हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज कर ली और लूप ने वो वाली आइट्रेशन या वो वाला स्टेप स्किप कर दिया। कंटिन्यू सिर्फ उसी को एग्जीक्यूट नहीं करता, बाकी सबको एग्जीक्यूट करता है। बिल्कुल उसी को एग्जीक्यूट नहीं करता। अच्छा, इस कंडीशन में भी अगर हम प्रिंट आई इधर इफ स्टेटमेंट से पहले लिखते थे तो प्रिंट सब कुछ ही होना था, क्योंकि वो पहले प्रिंट होके बाद में देखेगा। अच्छा, हमने वाइल जब पढ़ी थी लूप्स तो उसमें एक प्रोग्राम था जिसमें हमने टेबल लिखा था 5 का, जो आप लोगों में से कल मीटिंग में मौजूद थे, क्या आप लोगों को याद है कि हमने एक टेबल लिखा था, एक प्रोग्राम लिखा था वाइल लूप से जो टेबल हमें आउटपुट में देता था? जी मैम लिखा था, बिल्कुल लिखा था, याद है। उस तरह का टेबल आप लोगों ने फॉर लूप से बनाना है, कोई प्रोग्राम लिखना है जिसमें वो यूजर से इनपुट लेगा और उस इनपुट का मैथमेटिकल जो हम लोग टेबल जिसको कहते हैं वो हमें आउटपुट में दे देगा, ठीक है? जी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है इस चीज की। अच्छा, इसके बाद हम रेंज फंक्शन देख रहे हैं फॉर लूप में।
रेंज में अगेन वही जैसे अभी भी क्वेश्चन था कि अगर हमने स्पेसिफिक रेंज देनी हो. अच्छा रेंज का फिलहाल तो काम ही है कि फॉर आई इन रेंज 5 प्रिंट आई, इसका क्या मतलब होगा? रेंज 5 रेंज में कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे? 1 to 5? नहीं, रेंज हमेशा स्टार्ट होती है 0 से. रेंज फंक्शन शायद आपने पहले भी पढ़ा है, ये 0 से स्टार्ट होता है. जीरो से कहाँ तक जाता है? 4 तक, एन माइनस 1 तक जाता है. तो यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होगा, 0 से लेकर 4 तक जाएगा. तो अगर रेंज 5 में है आई तो उसको प्रिंट कर दो, यानी 0, 1, 2, 3, 4. लेंथ इसकी 5 ही रहेगी लेकिन 0 से लेकर 4 तक. अब हम लोग जिस तरह स्लाइसिंग में, वही वाला स्लाइसिंग का कंसेप्ट हमने इस पूरे कोर्स में बहुत ज्यादा देखा है. उसमें ये होता था कि एक स्टार्टिंग पॉइंट दे दो, एक एंडिंग पॉइंट दे दो और एक स्टेप दे दो. सेम इसी तरह की चीज होती है रेंज फंक्शन में भी. इसमें भी हम स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट दे सकते हैं, स्टेप भी दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग कॉलम नहीं यूज करते बल्कि ये कॉमा यूज करते हैं. अगर हम इसको रेंज फंक्शन के अंदर लिख रहे हैं, जैसे हमने फिर से कहा कि आई है एक कोई भी वेरिएबल और वो वेरिएबल की वैल्यू क्या है कि वो रेंज 1 से लेकर 5 तक है. अब इसमें आई को प्रिंट करवा दो. अब इसको स्टार्टिंग पॉइंट 1 मिल गया, एंडिंग पॉइंट 5 है, तो एन माइनस 1 के अकॉर्डिंग ये 4 तक जाएगा. तो यहाँ पे 0 प्रिंट नहीं होगा, यहाँ पे 1 से लेकर 4 तक. डिफॉल्ट इसकी वैल्यू अगर स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया था तो वो 0 थी. यहाँ पे 1, 2, 3, 4. यहीं पे अगर मैं स्टेप ऐड कर दूं, जैसे नीचे हमने स्टेप ऐड किया हुआ है, वन से लेकर फाइव, वन स्टार्टिंग पॉइंट है, फाइव इसका एंडिंग पॉइंट है, लेकिन स्टेप है टू का. अब टू के स्टेप से क्या होगा कि पहले वन तो प्रिंट होगा, उसके बाद सेकंड जब टू का स्टेप लेगा तो फिर नेक्स्ट आइटम क्या होगा, 3, और फिर टू टू का स्टेप लेगा तो नेक्स्ट आइटम इसके पास कुछ है ही नहीं. तो यहाँ पे हमारे पास 1 और 3 प्रिंट हो जाएगा. नहीं, रेंज जहां पे फंक्शन है, रेंज एक फंक्शन है जिसमें हम एक तरह से एक लिमिट एक रेंज दे देते हैं. जैसे हम इंग्लिश में ये वर्ड यूज करते हैं, इसका वही मतलब है, लेकिन ये एक फंक्शन है. अच्छा अगर यहाँ पे मैं इस तरह से कर लूं, मैं माइनस 2 का स्टेप दे दूं, क्योंकि हमने नेगेटिव इंडेक्सिंग भी पढ़ी थी ना, जब मैं माइनस 2 का स्टेप दे दूं तो क्या होगा, ये रिवर्स होगा. लेकिन इधर प्रोबेबली एरर दे दे या एम्प्टी सेट, क्योंकि 1 से रिवर्स 5 नहीं आता. तो इधर हम 10 यूज कर लें और माइनस 1 अगर चाहे तो इसका क्या मतलब है? इस चीज का मतलब है कि स्टार्टिंग पॉइंट है 10, एंडिंग पॉइंट है 5 और स्टेप है माइनस 1 का. अब ये 10 से 5 रिवर्स में चलेगा, 10, 9, 8, 7, 6. अच्छा यहाँ पे 6 क्यों आया, 5 क्यों नहीं आया? आई थिंक मैथमेटिक्स वाले ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकेंगे. एंडिंग पॉइंट 5 है ना, तो n माइनस 1. हाँ जी, लेकिन n माइनस 1 तो 4 नहीं होता, यहाँ पे 4 होना चाहिए. मैम स्टेप सिर्फ माइनस 1 का है. बिल्कुल, क्योंकि स्टेप नेगेटिव है इसलिए उसकी वैल्यू भी फिर ऑपोजिट हो जाएगी, तो वो 4 के बजाय 6 आएगा. अगर स्टेप को स्टेप के ऊपर हम नेगेटिव वाला अप्लाई करके देखें तो एंडिंग पॉइंट हमारे पास 5 + 1 = 6 हो जाएगा. रेंज फंक्शन की भी समझ आ गई? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं, वरना फिर हम आगे चलते हैं. हमारे पास ज्यादा आज नहीं है कुछ पढ़ने को, ये छोटी छोटी चीजें हैं. मैम अगर पहले हमने एक लिस्ट डिफाइन की होगी तो ये रेंज उस लिस्ट में से लेगा फिर? फिलहाल ये रेंज किसी भी नंबर की आर्बिट्रेरी रेंज है. अगर हम इसको लिस्ट के ऊपर अप्लाई करें, जैसे ऊपर हमने एक लिस्ट चूज की थी, हम उसी को कॉपी करते हैं.
फिर पता है हम इसको किस तरह से यूज करेंगे, मैं इधर आपको करके दिखाती हूँ। फिर इसका सिंटेक्स थोड़ा सा एक तरफ से हो जाएगा, फॉर आई इन रेंज। अब रेंज इसको इस लिस्ट के अंदर से देनी है। एक चीज होती है लेंथ का फंक्शन, आपने देखा था। यस मैम। उसमें क्या होता है, लेंथ देते हैं उसकी, लिस्ट की लेंथ बताएगा। जी बिल्कुल। तो अगर ये हम लोग इस तरह से लिखें कि फॉर आई इन रेंज लेंथ माई लिस्ट, यानी माई लिस्ट की लेंथ की रेंज में, इसकी जितनी भी रेंज थोड़ी लेंथ है वो सारी हमारे लूप की रेंज होगी, उसमें प्रिंट कर दें आप आई, तो वो सारा प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे उसका इंडेक्स प्रिंट हुआ है 0, 1, 2, 3, 4। तो मैम अगर हमने ये विंटर समर और इस तरह प्रिंट करवाना तो आपका क्वेश्चन है? यस मैम। ओके आप खुद ही से आंसर करें। अगर लेंथ नहीं लिखेंगे तो वो हमें वैसे प्रिंट करवाएगा? नहीं, नीचे आप एक दफा यहाँ माई लिस्ट रहने थे, आप मुझे बताइएगा इस पॉइंट पे हम जो प्रिंट में लिख रहे हैं हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं? आई, आई क्या है? माई लिस्ट के जो वो है आइटम्स, माई लिस्ट पर जो आइट्रेट कर रहा है आइट्रेटर वो है, ठीक है। तो आई जो है वो क्या लेके आ रहा है, वो इंडेक्सेस लेके आ रहा है। तो अगर मैंने इंडेक्सेस को यूज करके वैल्यू प्रिंट करवानी हो तो क्या सिंटेक्स होता है? मैम रिकॉल नहीं हो रहा अभी। ओके नो प्रॉब्लम। हम ऐसे नहीं लिखते होते थे क्योंकि अभी हमारे पास हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो माई लिस्ट है, तो माई लिस्ट और उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते थे एंड देन उसमें अपना इंडेक्स नंबर लिखते थे, ऐसा ही नहीं है? याद आया? लेट्स सपोज मैंने जब यहाँ आई लिखा है तो फर्स्ट आइट्रेशन में आई की वैल्यू होगी 0, तो वो माई लिस्ट का 0 इंडेक्स प्रिंट करवा देगा। नेक्स्ट आइट्रेशन में वो नेक्स्ट पे मूव करेगा तो आई की जो वैल्यू है वो 1 हो गई होगी, तो वो जो 1 पे आइटम है वो प्रिंट करवा देगा। निम्रा, मेरे ख्याल से यहाँ पे नाम लिख के भी वो चल जाता है। अगर हमारे पास आई की वैल्यू तो चेंज हो रही है, उस वैल्यू के करस्पोंडेंस ही नहीं आना चाहिए अगर मैं इंडेक्स स्पेसिफाई ना भी करूँ तो? चेक कर लेते हैं। ओके आपने क्या कहा है निजा, अब माई लिस्ट प्रिंट करवाई तो वो पूरी लिस्ट प्रिंट करेगा ना? हाँ एक सेकंड में चेक कर लूँ कॉपी। ओके पार्टिसिपेंट्स आपको ये बात क्लियर हुई है? हाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें इसको, अभी क्या हुआ है ये? अभी बिल्कुल वही चीज हुई है जो मैंने यहाँ एक्सप्लेन की है कि पहले हम सिर्फ आई को प्रिंट करवा रहे थे और आई जो था वो इंडेक्स था, तो वो इंडेक्सेस को प्रिंट कर रहा था क्योंकि माई लिस्ट की जो लेंथ है वो है 3, 2, 5, तो इसका मतलब इंडेक्सेस मूव करेंगे 0 से लेके 4 तक और आई की वैल्यू हमें ये आउटपुट में मिलेगी अगर हम डायरेक्टली आई को प्रिंट करवाते हैं। लेकिन इन केस हम आई को यूज करते हैं माई लिस्ट और साथ ब्रैकेट्स एंड देन आई, तो अब क्या होगा, फर्स्ट आइट्रेशन में आई क्योंकि 0 को रेफर कर रहा है तो यहाँ क्या होगा, लिखा जाएगा माई लिस्ट, इसे वेल माई लिस्ट ही मान लें आप लोग प्लीज। ओके और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स में वैल्यू आ जाएगी 0 की, तो जब मैं इसे कहूंगी कि माई लिस्ट के 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू इसे प्रिंट करवाओ तो वो माई लिस्ट में तलाश करेगा कि 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू पड़ी है, उसे विंटर मिलेगा तो वो विंटर आउटपुट में दे देगा। नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा कि आई नेक्स्ट मूव करेगा क्योंकि फॉर लूप में ये आइट्रेट खुद ही होता है, ठीक है, बाई डिफॉल्ट प्लस 1 का स्टेप होता है। अब क्या होगा, ये नेक्स्ट मूव करेगा तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 1, तो i की वैल्यू अगर प्रिंट करवाएंगे तो वो तो 1 आएगी, लेकिन अगर मैं उसे लिस्ट के साथ लिखूं यानी यहाँ पे 1 लिख दूं तो वो अब उस इंडेक्स पे मौजूद वैल्यू को प्रिंट करवाएगा। और आप भी बताएं कि फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू मौजूद है लिस्ट के? विंटर, यस, समर, ओह नो समर, 1 पर समर, 1 पर यस समर धीरे से स्टार्ट करेगा ना रेंज, तो
नहीं देखिए, जीरो वाला तो मैंने प्रिंट करवा दिया था, मैं पूछ रही हूँ कि माइल लिस्ट के वन इंडेक्स पे क्या है। ओके मैम, समर यस, और उसके बाद नेक्स्ट आइटरेट करेगा तो हमारी जो आई की वैल्यू वो टू हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा टू। तो अब माई लिस्ट के टू इंडेक्स पे क्या है? ऑटम। यस, वो ऑटम प्रिंट करवा देगा, तो इस तरह ये प्रिंट करवाता जाएगा। मैम अगर यहाँ पे लेंथ का फंक्शन ना यूज करें तो भी वो वर्क करेगा सेम? ओके जब आप ये करके दिखा दें। लेंथ का फंक्शन अगर नहीं यूज करना और फिर रेंज का फंक्शन आप चाह रही हैं कि इधर ही रहे? यस मैम, रेंज मेरे ख्याल से तो वो नहीं वर्क करेगा क्योंकि हमें रेंज के बाद देना पड़ेगा ना। जी, क्योंकि रेंज इंटीजर्स के फॉर्म में लेता है आर्गुमेंट आई थिंक। यस, और वो लिस्ट माई लिस्ट देखिए आप रीता, आई डोंट नो आप क्यों कह रही हैं कि हम रेंज के साथ सिर्फ माई लिस्ट लें, क्योंकि उस केस में तो हम ये सिंपल भी कर सकते हैं। जैसे अब हम वर्क कर रहे हैं, अगर हमने माई लिस्ट के आइटम्स को ही आइट्रेट करना है तो सिंपली क्या करें कि आई को मूव करवा दें माई लिस्ट के ऊपर, और जब हमने इसकी लेंथ को कंसिडर करना है फिर हम रेंज का फंक्शन लगाएंगे। रेंज जो है वो पैरामीटर के तौर पर, यानी पैरामीटर का मतलब ये होता है कि ये जो पैरा उसके अंदर वो जो वैल्यू लेगा ना वो हमेशा इंटीजर। जी मैम, मैं पूछना यही कहना चाहती थी कि अगर फॉर आई इन माई लिस्ट करें तब भी तो वो आइट्रेट ही करेगा ना ओवरऑल ही, तो अगर रेंज और लेंथ ना भी यूज करें। एक मिनट मिनट रे, अब देखिए अगर हमने स्टेप बाय स्टेप सब करने हैं तो वो तो हम लोग सिंपली जैसे हमने ऊपर पिक किया फॉर आई इन माई लिस्ट, उसके बाद प्रिंट कर दें आप आई को। और फिर हमारी वही जो सारे आइटम्स थे वो आ जाएंगे। अब हम लोग ने क्या किया था, हमने रेंज का फंक्शन लिया था और उसमें हमने रेंज रख दी थी लेंथ माई लिस्ट की, और फिर भी सेम ही काम हो रहा था। तो अब आपको ये कह रही है कि अगर सेम ही काम इस तरह से भी हो सकते तो हमने रेंज और लेंथ ये दोनों फंक्शंस क्यों यूज किए? yes, आपका स्टार्टिंग में क्वेश्चन था कि अगर हम लोग शुरू से लेकर एंड तक सारे आइटम्स को आइट्रेट नहीं करना चाहते, सिर्फ कुछ आइटम्स को आइट्रेट करना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे, और तब मैंने जी, कहा मैं था वो... फंक्शन। अब मैं आपको वो बता, हमने ऐसा नहीं किया ना फिर वो एक्चुअली हम लोग जो कर रहे थे ना वो मैंने आपको रेंज फंक्शन का काम बताया था, निम्रा ने भी, कि रेंज और लेंथ करती क्या है। हम उसी में स्पेसिफिकेशन, जैसे हम लोग इंडेक्सेस देते हैं तो हम कुछ भी इंडेक्स दे देते हैं ना स्लाइसिंग में, फिर उसको हम लोग करते रहते हैं चेंज करते रहते हैं। अगर हम कुछ भी ना दें तो वो स्टार्ट से एंड तक उसको लेता है, स्टेप ना दें तो वो बाय डिफॉल्ट स्टेप वन लेता है। अच्छा, इसकी हम रेंज रखते हैं टू और एंडिंग पॉइंट हम इसका रखते हैं लेंथ ऑफ माई लिस्ट। ओके मैम, समझ आ गया। अब अगेन जहाँ पे हम अगर आई प्रिंट करेंगे तो वही चीज होगी जो पहले हुई थी, नंबर्स आ जाएंगे। अगर इसकी इसमें जो आइटम्स हैं माई लिस्ट के उनको देखना है तो माई लिस्ट देख के उसको इंडेक्स दे दो आई, यानी इस इंडेक्स पे जो भी माई लिस्ट में आइटम है वो प्रिंट हो। तो अब क्या हो रहा है, इंडेक्स टू पे क्या है आइटम, और आइटम से वो कहाँ तक जा रहे हैं, जहां तक माई लिस्ट की लेंथ एंड हो रही है यानी कि रेनी सीजन तक। ठीक है, ठीक है। मैं एक अच्छा, इसके बाद अगर हम लोग देखें एल्स इन फॉर लूप, हमने एल्स का काम हमने पहले कंडीशंस में देखा और उसके बाद हमने देखा व्हाइल लूप में, वही कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो रहे हैं आजकल पूरा सेशन शायद रिवीजन पे ही हो, जो हम लोग पहली चीजें पढ़ चुके हैं वाइल पे उससे पहले वही सब चीजें हैं, बस फॉर में यूज हो रही हैं। एल्स का हमने पढ़ा था कि कंडीशन में ये मतलब होता है कि जब कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो तो फिर एल्स वाली स्टेटमेंट रन हो जाए, प्रिंट हो जाए, या वो वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। वाइल लूप में काम ये होता है कि जब वाइल की कंडीशन ट्रू ना हो तो फिर एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। सिमिलरली
अगर फॉर लूप की कंडीशन जब एंड हो जाएगी वो खत्म हो जाएगी लूप, तो फिर एल्स पे आ जाएगा और एल्स वाली स्टेटमेंट रन हो जाएगी। जब यहाँ पे अगेन फॉर आई इन रेंज 6, अब आई इन रेंज 6 में हम लोगों को क्या प्रिंट करना, प्रिंट करेंगे तो क्या आएगा? रेंज 6 में कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे? 0 से 5 तक। बिल्कुल 0 से 5 तक। और जब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, या जो हम लोग ये नहीं कह सकते कि स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, इसमें स्टेटमेंट नहीं है, हम ये कहने कि जब ये लूप एंड हो जाएगी फिर एल्स के बाद जाएगा पॉइंटर, और एल्स वाली ये चीज है कि प्रिंट कर दें आप फिनिश्ड, 0 से 5 तक, और उसके बाद प्रिंट कर दें फिनिश्ड। इसी को हमने वाइल में भी थोड़ा डिटेल में देखा था। पास स्टेटमेंट, पास हमने कंडीशंस में पढ़ी थी, ये आप लोगों में से कोई रिमाइंड करवा दें कि पास का क्या मतलब होता हुआ करता था कंडीशंस में, इफ कंडीशंस में हमने देखा था पास स्टेटमेंट। किसी को याद है इस बारे में कुछ? मैम इसमें से वो कंडीशन देखता था, फिर जब कंडीशन देख लेता था फिर उसे पास कर देते थे आगे सिंपल, इसका कोई आउटपुट नहीं आती थी। कोई आउटपुट नहीं आनी आती थी, और इसका यूज इसलिए हम करते थे ताकि हमारे पास एरर ना आए, एरर फ्री कोड रहे। जब हमारे पास कोई स्टेटमेंट नहीं होती थी कंडीशन के रिजल्ट में, और हमने उस कंडीशन को बस फ्यूचर यूज के लिए रखना था, और स्टेटमेंट को हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं या वैसे ही, फिर हम पास स्टेटमेंट करते थे यूज। इसी तरह अगर हम फॉर में भी कोई स्टेटमेंट ना दें तो हमें एरर मिलेगा कि उन्होंने कहा कि हम लोग कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, यहाँ पे इंटेंडिंग ब्लॉक कह रहे हैं, इंटेंट तब भी इंटेंटेशन होगी, इंटेंटेशन जब इसके बाद हम कोई स्टेटमेंट लिखेंगे। तो हम लोग कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाह रहे तो सिंपल हम इसको पास कर देंगे, इसको फिलहाल तुम छोड़ दो, स्किप करो, आगे जाके इसको देख लेंगे, कुछ कर लेंगे। यूज इसका सिर्फ यही है कि हमने एरर फ्री कोड लिखना है, पास कर दिया कोड को। इसके बाद कंसेप्ट है नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप यानी के लूप के अंदर लूप। अब इनर लूप कब एग्जीक्यूट होगी? जब आउटर लूप एग्जीक्यूट हो रही होगी। इसको आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना कि ये वर्क कैसे कर रहा है। पहले मैं आपको दिखा दूं कि फॉर एक्स इन रेंज 5, अगर हम इसकी सिर्फ आइट्रेशन को देखें कि ये किस तरह से आइट्रेट होगा। फॉर एक्स इन रेंज 5, फर्स्ट आइट्रेशन में रेंज 5 के अंदर एफ की वैल्यू क्या होगी? 0। सेकेंड आइट्रेशन में 1, देन 2, उसके बाद 3, और फिर 4, और यहाँ पे आइट्रेशन एंड हो जाएगी। ये पहले लूप की आइट्रेशन है, जो आउटर लूप है उसकी आइट्रेशन इस तरह से होगी। अच्छा, वो क्या करें फॉर एक्स इन रेंज 5, पहले ही आइट्रेशन में 0 पे वो गया, ठीक। जब इस लूप के अंदर एंटर होगा तो वो क्या कह रहा है कि फॉर वाई इन हेलो। अगर हम सिर्फ इस चीज को देखें तो इसमें इस केस में क्या हुआ करता था कि हेलो में जो जो करेक्टर्स हैं उनको स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करेगा। अब वो पहली ऊपर वाला लूप पहली आइट्रेशन में उसके पास वैल्यू है 0, 0 वैल्यू लेके जब वो लूप की बॉडी में गया तो वहां पे एक और लूप है। अब दूसरे लूप की बॉडी में जाएगा और इसको प्रिंट करेगा। अब इस लूप से कब तक बाहर नहीं आएगा? जब तक ये पूरा हेलो प्रिंट नहीं हो जाता। जैसे इनर लूप में उसने पहले एच लिखा, फिर उसने कहा कि प्रिंट कर दो एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 0। उसने 0 और एच को प्रिंट कर दिया। फिर वो जब बाहर जाएगा तो अभी भी लूप हमारा कंटिन्यू हो रहा है, जब तक कि हमारे पास जो सीक्वेंस है जिसपे हमने आइट्रेट करना है वो एंड नहीं हो जाती। नेक्स्ट वैल्यू वो सेकेंड आइट्रेशन में लेगा ई, और इधर आ जाएगा ई, और इसके बाद स्टेटमेंट कह रही है कि प्रिंट कर दो और एक्स एक्स और वाई, एक्स अभी भी 0 है तो 0 और ई प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर एल, अगेन एल, और फिर ओ, और प्रिंट स्टेटमेंट में एक्स हमेशा से अभी तक क्या है, क्योंकि ऊपर वाला लूप अभी तक लूप के अंदर है और ये वाला लूप जब तक एंड नहीं होगा वो इसे बाहर नहीं निकलेगा। 0 और एल, फिर 0 और ओ। फिर इसके बाद जब ये लूप इनर लूप एंड हो जाएगा तो फिर पॉइंटर किधर जाएगा? आउटर लूप में। अब आउटर लूप में नेक्स्ट आइट्रेशन में एक्स की वैल्यू है 1,
फिर वो लूप के अंदर जाएगा और इस लूप में उसको एक इनर लूप मिल गया। उस इनर लूप को जब वो प्रिंट कर रहा होगा तो उसमें हर आइटरेशन में ये वैल्यूज हैं। अब वन के साथ ये वैल्यूज वन बाय वन प्रिंट हो जाएगी, पहले वन के साथ एच, फिर वन के साथ ई, वन के साथ एल। एक्स और वाई भी इधर इसलिए मैंने लिखा है कि आपको साथ साथ पता चल जाए कि ऊपर वाले लूप में इसकी क्या वैल्यू है अभी और इनर लूप में इसकी क्या वैल्यू है। ये देखें, पहले जीरो और पूरा हेलो, वन और पूरा हेलो, टू और पूरा हेलो, अंटिल फोर। इससे आपको पता चल रहा है कि ये ऊपर वाले जब हमारा आउटर लूप चल रहा है तो उसमें जो वैल्यू गेट की है वही वैल्यू के साथ इनर लूप में सारी वैल्यूज उसने ली हैं। आई डोंट नो समझ आप लोगों को आई है या नहीं। मैंने अपने तरीके से कुछ समझाया। मैम आ गई, मैम हो गया क्लियर। बाकी पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि ये मुझे लग रहा है कि मुझे पता नहीं ठीक से समझाना आ रहा है या नहीं। मैम अस्सलाम वालेकुम। जी मैम क्लियर है। मैम ठीक है, बिल्कुल काइंडली थोड़ा मैथ के लिहाज से भी ना समझाया करें, कोई क्वेश्चन या ऐसे फिर, क्योंकि हमने कंप्यूटर तो वो नहीं किया हुआ ना, तो इतनी सही समझ नहीं आ रही होती। अगर आप ऐसा कर दें कि कोई मैथ का क्वेश्चन या एग्जाम्पल इसमें ऐड कर दिया करें हर उसमें, तो बेहतर हो जाएगा हमारे लिए। अच्छा मैथ की मैम, वैसे इसके ऊपर ना ये तो है कि जो नॉन टेक्निकल बंदे हैं वो सारे सीख सकते हैं, क्योंकि मेरी डिग्री एग्रीकल्चर की है, अब तो बिल्कुल ही दूर दूर का वास्ता भी नहीं कोडिंग के साथ ना, इसमें तो सीखा जा सकता है, मेरा तो ये ख्याल है। अच्छा, अच्छी बात है कि आपको समझ आ रही है। सर आरिफ है मीटिंग में? मेरे ख्याल से नहीं है। नहीं है वो। अच्छा राइट, सिद्धरा एक्चुअली आप मैथ के लिहाज से आप क्या कहना चाह रही हैं? मतलब मुझे लग रहा था कि लूप्स वाले, लूप्स जो होते हैं वो मैथ वाले ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। मैम ये मैंने कंप्यूटर वैसे किया हुआ, ये ठीक है, समझ आ रही है। जैसे आज ना मैं कर रही थी 5 by 5 का, मेरे पास एक मैट्रिक्स था तो मैं उसे प्रिंट कर उसकी वैल्यूज फाइंड करना चाह रही थी ना, C1 C2 C3 की, तो उसमें काफी ज्यादा मुझे प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसी लिहाज से मैं कह रही थी अगर आप कोई थोड़ा सा उसके बारे में भी थोड़ा वो गाइड कर दिया करें ना, तो हमें काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। सही, ठीक है। वैसे अभी जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, इसमें हम लोग मैट्रिक्स तो नहीं देख रहे, ये बिगनर्स का कोर्स है। फिर भी सिद्रा, मैथ के बारे में ना पहले भी एक बात हुई थी और वो मॉडरेटर्स के दरमियान बात हो रही है, मे बी ईद के बाद, रमजान के बाद कोई वर्कशॉप भी रखी जाए मैथ स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा अगर आप ये बात करिए कि लाइब्रेरीज की आप बात करिए, जैसे मैट लैब और इस तरह की लाइब्रेरीज होती हैं, इंशाल्लाह वो भी एक कोर्स है, सेशन टू इसी कोर्स का फेज टू है वो। मैम मेरा क्वेश्चन है, ये जो मैट्रिसेस की बात कर रही थी शिद्रा, ये पाइथन पे मैट्रिसेस आप सॉल्व करने की बात कर रही हैं? ये कोलैब पे हम ये मैट्रिसेस ना इसकी सॉल्व कर सकते हैं, वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। आपकी आपकी डिग्री मैथमेटिक्स की है? जी बेसिकली ना मैम, जो मुझे थोड़ा सा नॉलेज है वो ये है कि हम जो भी मैट्रिसेस वगैरह करते हैं ना, चूंकि मेरी भी डोमेन मैथ ही है, तो उसमें हम ज़्यादातर जो है मैटलैब यूज़ करते हैं। पाइथन का तो इतना है नहीं, लेकिन जो जिस तरह से ये हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ये अगर हम मैथ के बाद अपनी फील्ड रखते हैं ना डेटा साइंस, तो उसमें ये इसी तरह से ये हेल्पफुल रहेगा। उसमें हम मैट्रिसेस जो है ना उस तरह से सॉल्व नहीं कर पाएंगे जिस तरह से आप कहना चाह रही हैं। तो मैं अपना पॉइंट ये वाला क्लियर करना चाह रही थी। मैम वैसे मैटलैब पे जो है ना, मैंने भी यूज किया था, फॉर लूप को यूज करके हमने मैट्रिसेस के एलिमेंट्स को अप्रोच किया था, तो मेरे ख्याल से अगर हम करना चाहें तो पाइथन पे भी कर सकते हैं। मैम वो मैट्रिसेस पे भी कर बिल्कुल सकते हैं, मैथमेटिक्स का मैटलैब ठीक है वो हम उस पे कर सकते हैं, आर पे भी कर सकते हैं, लेकिन हमें जो सर ने कहा है ना कि जी रिसर्च वर्क के लिए आप ना कोलैब पे ये सब करें ना, इसी वजह से तो हमें ये पढ़ना लाजमी हो गया है। ऑलराइट। अच्छा वैसे ये बात ना सर जफर से हमने एक दफा सुनी हुई है और अब आके मुझे अंदाजा हो रहा है कि प्रोग्रामिंग कंप्यूटर वाले इसलिए अच्छे कर लेते हैं क्योंकि मैथ वाले वाले नहीं करते, वरना मैथ वाले अगर प्रोग्रामिंग में अच्छे हो तो वो CS वालों को पीछे छोड़ सकते हैं। तो आप लोगों की बातें सुन के मुझे अंदाजा हो रहा है कि प्रोग्रामिंग मैथ्स में कितनी ज्यादा यूज हो सकती है अगर आती हो तो, क्योंकि
मेरा मैथ फील्ड नहीं है, लेकिन मुझे आइडिया हो रहा है मैट्रिसेस वगैरह का, तो आइडिया है, पर रिसर्च वर्क या इस तरह से कभी काम नहीं किया उनपे। लेकिन बेसिक कंसेप्ट, एक और बात मैं थोड़ी यहाँ पे क्लियर कर दूँ, बेसिक कंसेप्ट से ही होते हैं। अब हम लोग अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात कर लें, तो बेशक आप पाइथन पढ़ रहे हैं या कोई और लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, लॉजिक लूप्स की यही होगी कि हर लूप्स ने हर स्टेप में चलना है, एक स्टेप के बाद उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और फिर नेक्स्ट स्टेप होगी, अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर वो एग्जीक्यूट हो रही है स्टेटमेंट, अगर नहीं ट्रू तो फिर वो फॉल्स है। पाइथन में हम सिंटेक्स का डिफरेंस होता है, हम यहाँ पे इंडेंटेशन यूज करते हैं, सी प्लस प्लस में हम कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं ये बताने के लिए कि ये चीज लूप के अंदर है। मैम, पाइथन में हम एक सेल को कॉपी करके फिर पेस्ट कैसे करेंगे? लैब की बात कर रही हैं आप? जी मैम, कोलैब में। अच्छा, मैं जो सिंपल करती हूँ ना, ये तो छोटे छोटे कोड हैं, लेकिन अगर बड़े कोड हों, कंट्रोल ए से सारा सिलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल सी आप कॉपी करें, फिर जिस कोड ब्लॉक में आपने पेस्ट करना है सिंपली कोड कंट्रोल वी करते हैं। मैम, अगर हम उसी उसी कोड ब्लॉक में अगर हम पेस्ट करना चाहें? इस पॉइंट पे पेस्ट करना है तो आप इस पॉइंट पे कर्सर ले जाकर पेस्ट कर दें। ओके मैम। अब ये मैंने उसी पॉइंट में उसी कोड ब्लॉक में कर दिया। अच्छा, थोड़ी डिस्कशन इधर उधर हो गई है, लेकिन अच्छी डिस्कशन थी। टॉपिक पे आते हैं वापस। यहाँ पे मैंने सेम वही काम नेस्टेड लूप वाला, कि पहले ऊपर वाली लूप आइटरेट होगी, फिर एंड नीचे वाली जो जिसको हम इनर लूप कहते हैं, आउटर और इनर लूप अगर ठीक टर्म्स यूज करें तो। लेकिन यहाँ पे आइटरेट किस में हो रहा है? दो लिस्ट पे आइटरेट हो रहा है, ये मैंने कोड कहीं से उठाया है। आप लोग बताएं कि इसमें मुझे आउटपुट क्या मिलेगी? दो लिस्ट है हमारे पास, ए डी जे, और दूसरा है एडजेक्टिव में भी या कुछ भी, और दूसरी लिस्ट है फ्रूट्स की। अब हमने दो लूप्स यूज किए, पहली लूप है ए डी जे पे लिस्ट पे, और दूसरी लूप इस ऊपर वाली आउटर लूप के अंदर है, और वो लूप चल रही है फ्रूट्स पे। तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगा? पहले वो पहला आइटरेटर पहला आइटम फर्स्ट लिस्ट का रेड पकड़ेगा, और उसके साथ जब तक वो वैल्यू रेड है, उसी के साथ जब अंदर आएगा तो फॉर पूरी फॉर लूप चलेगी, और अब ऊपर वाली आउटर लूप की वैल्यू अभी तक रेड है, तो फिर रेड के साथ एप्पल बनाना चेरी बारी बारी प्रिंट हो जाएंगे, फिर बिग के साथ तीनों, फिर टेस्टी के साथ तीनों। देखें, रेड के साथ पहले तीनों फ्रूट्स प्रिंट हुए, फिर टेस्टी यानी आउटर लूप की पहली एक वैल्यू रही, फिर दूसरे लूप की चेंज होती रही इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे मेरे माइंड में एक चीज आई है, अगर मैं इधर फ्रूट्स की जगह ऊपर वाली लिस्ट का ही नाम लिख दूँ, अब क्या चेंजिंग आएगी कि आउटपुट में? मैम इसी तरह पे वो जो है रेड के साथ पहले 3 दफा ही रेड वो रेड बेक और टेस्टी लिखा जाएगा, हाँ जी, फिर बिग के साथ और फिर टेस्टी के साथ। यस मैम, फिर टेस्टी के साथ लिखा जाएगा। बिल्कुल, अच्छा, अगर हम लोग इसका मैम काम इसमें देखें। एक से ज्यादा जी मैम इसमें एक से ज्यादा फॉर लूप लग सकती हैं? हाँ यहाँ पे जी, दो लगाई है ना, तो दो से ज्यादा और हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती है। अगर ओके हम मैम, इसको लंबा करें, इसके अंदर भी कर सकते हैं, इसके बाहर भी, फॉर एग्जाम्पल इसको हमें लंबा ही करना है, तो फॉर वी इन, अब यहाँ पे हम फ्रूट्स यूज कर लेते हैं। ये हम खत्म कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि थोड़ा क्लीन भी रहे और आप लोगों को हाइड्रेशन की समझ भी आ जाए। अब क्या होगा? अब थोड़ा लेंथी हो जाएगा, पर ये देखिए, पहले रेड है, अब ये इस एक्स की वैल्यू रेड है तो अंदर आ गया, और अंदर वाई की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है रेड,
और लूप अंदर आ गया इनर लूप में. इनर लूप में एक और लूप है वाई, वाई उसी पे एडजेक्टिव पे चल रहा है तो वो भी पहली वैल्यू ले लेगा राइट. अब उसके बाद जब इस लूप के अंदर जाएगा तो अगेन लूप है. अब ये लूप कह रहा है कि वी इसका आइटरेटर है जो कि चल रहा है फ्रूट्स पे, इसकी पहली वैल्यू है एप्पल, उसने एप्पल को जो भी है ये पता नहीं क्या है, उसने एप्पल को प्रिंट कर दिया. अब इनकी वैल्यू दोनों की रेड ही है तो ये वी की वैल्यू चेंज होती जा रही है, क्योंकि जो इनर मोस्ट लूप है सबसे पहले वो पूरा लूप चलेगा, फिर उससे ऊपर वाला, फिर उससे ऊपर वाला. तो जी की वैल्यू एप्पल बनाना चाह रही, तीनों चली. उसके बाद अब उससे ऊपर वाले लूप पर वाई की वैल्यू में एक एडिशन होगी और ये बिग हो जाएगा, फिर अंदर वाली सारी लूप, फिर यहाँ तक के वाई की जब सारी लूप सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी, उसके बाद फिर एक्स की वैल्यू में एक चेंज आएगा. जैसे यहाँ पे टेस्टी तक सारा प्रिंट हो गया था और ऊपर वाली सब जो हमारा फर्स्ट लूप था उसकी वैल्यू अभी तक रेड थी, फिर इसकी वैल्यू में आइट्रेशन होगी एक ऐड होगा और वो बिग होके फिर अगेन अंदर वाली सारा प्रोसेस रिपीट होगा. ओके मैम ठीक है समझ आ गई, थैंक यू. यू वेलकम. इसको हम लोग नेस्टेड लूप्स को हम लोग क्वाड्रेंट्स में यूज कर सकते हैं. आई थिंक वो कुछ चीज होती है, वो भी मैथ की चीज होती है, वो कुछ इस तरह से कि एक्स वाई दो वैल्यूज होती हैं उनको इसी तरह लेके जाना होता है, कोई ग्राफ्स वगैरह में ये चीज स्टडी होती है. खैर लेकिन हम प्रोग्रामिंग वाली और भी चीजों के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं इसको. अच्छा सिर्फ हमारे पास 7 मिनट रह गए हैं. खैर यहाँ पे थोड़ी सी मैंने एक चीज रखी आप लोगों के लिए, एक एक्सरसाइज रखी है ताकि आप लोग बोर भी ना हो, राजा आप लोग जो इमोशन अब थोड़ा बोल सके. हमारे पास एक लिस्ट है मार्क्स के नाम से और यहाँ पे कहा हुआ है कि फॉलोइंग आर मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स. अब ये उसके डिफरेंट सब्जेक्ट्स में मार्क्स हैं प्रोबेबली इंग्लिश मैथ साइंस वगैरह में, हमने उसके टोटल ऑब्टेंड मार्क्स लेने हैं. कैसे यानी कि टोटल मार्क्स क्या होंगे, 65 प्लस 70 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 88 ऐसा ही है ना. लेकिन ये मार्क्स डिफरेंट वेरिएबल्स में नहीं है. अगर हम वेरिएबल्स में होते तो हम सिंपली क्या करते थे, ए प्लस बी प्लस सी अप टू सो ऑन. लेकिन लिस्ट का काम ही ये है कि हमें बहुत ज्यादा वेरिएबल्स ना बनाने पड़े. अब इस लिस्ट के अंदर जितने भी मार्क्स हैं उनको हमने सम अप करना है टोटल मार्क्स लेने के लिए. इसका प्रोग्राम लिखवाएं चलिए, ये क्योंकि हम फॉर लूप पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को आइडिया होगा कि फॉर से ये हो सकता है. कोई दिमाग में चीज आ रही है कि किस तरह से इसकी लॉजिक बनेगी या कैसे ये सॉल्व होगा? यस मैम, मैं मैसेज होता है फॉर आई प्लस वन करके, जिसके जो माइंड में आ रहा है कोई मुझे बताना चाहिए या फिर आप सब मिलके भी बता दें, क्योंकि मेरे ख्याल से एक ही दम से सारा प्रोग्राम नहीं माइंड में आ जाता. ठीक है फॉर फॉर आगे फॉर आई इन मार्क्स. हाँ जी ये फर्स्ट स्टेप तो हो गया. उसके बाद फॉर आई इन मार्क्स यहाँ तक कि इस लाइन में क्या होगा, इस लाइन में हमें मतलब पता चल गया कि पहले वो 65 को पकड़ेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट आइटरेशन में 70, फिर 40, फिर 20, फिर 88. अब ये हमें पता चल गया कि स्टेप बाय स्टेप उसने एक एक वैल्यू को ले लेना है. अब हमने उस वैल्यू को किस तरह से यूज करना है, ये हिंट थोड़ी आप लोगों को मैं दे रही हूँ कि देखिए हमारे पास 65 वैल्यू आ चुकी है. अब हमने उसको कहीं पर रख लें क्योंकि नेक्स्ट आइटरेशन में तो 65 को छोड़ के वो 70 पे चला जाएगा ना. हमने कुछ करना है कि 65 हमारे पास स्टोर हो जाए नेक्स्ट आइटरेशन में. इस अकॉर्डिंग टू दिस लाइन जो आप लोगों ने लिखवाई है उसके पास वैल्यू होगी 70. अगर 65 हमारे पास स्टोर है तो हम इस 70 को भी स्टोर कर सकते हैं या फिर उसमें मिला सकते हैं, एडअप कर सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट आइटरेशन में जब वैल्यू 40 होगी, अगर हमने पहले इन दोनों को एड अप करके रखा हुआ है या स्टोर किया हुआ है कहीं जगह पे, तो हम इस वैल्यू को भी गेट कर लेंगे क्योंकि इस फॉर लूप ने हमें नेक्स्ट वैल्यू लाके दे दी है. मैम एक वेरिएबल बना के उसमें आई की वैल्यू स्टोर करते जाते. ठीक है वेरिएबल फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सम के नाम से लिख दिया, इंट्रोड्यूस कर जीरो हो गई. अब जी नीचे मैम टैब प्रेस करें, सम इज इक्वल टू
सम प्लस आई। प्लस आई ठीक, उसके बाद प्रिंट कर दें सम। अगर किसी के पास कैलकुलेटर है या किसी का मैथ स्ट्रांग है वो ये करके हमें कंफर्म करते हैं कि क्या हमारे प्रोग्राम ठीक ठीक आउटपुट मिल रहा है। क्यों यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट सम का फंक्शन यूज कर लें, सम मार्क्स करके। अच्छा आप मुझे पहले करवाएं फिर मैं आपको बताती हूँ हम क्यों यूज कर रहे हैं। देखिए मैम टोटल मार्क्स का एक वेरिएबल मैम सम यही आता है बिल्कुल टोटल मार्क्स ठीक है इज इक्वल टू सम और जो लिस्ट का नेम है मार्क्स। अब उसके बाद नीचे प्रिंट टोटल मार्क्स। शुमाइला ये हमें एरर दे रहा है। क्यों मैम ऐसा क्यों? अकॉर्डिंग टू द एरर इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। आई डोंट नो व्हाई सम फंक्शन होता है यूज, लेकिन मेरा एक बताने का पॉइंट ये था कि फॉर एग्जांपल आप लोग एक मिनट के लिए ये एरर को थोड़ा सा माइंड से निकाल के ये कंसेप्ट थोड़ा सा लेने की कोशिश करें। मैम मेरे ख्याल में सम जो होता है ना वो वैल्यूज को सम करता है, इसने लिस्ट में से वैल्यूज को वो करना है पिक करना है। वो तो करना है लेकिन आप एक मिनट ये एक पॉइंट भी आप समझने की कोशिश करें। फॉर एग्जांपल हम इमेजिन कर लेते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया, हमारे पास एरर नहीं आया। अब ये जो हमने इधर काम किया कि हमने हमारे पास एक तो पहले ऑब्जेक्ट था, थोड़ी टेक्निकल टर्म है लेकिन देखिए आप ऑब्जेक्ट था, वो ऑब्जेक्ट क्या है कि वो एक लिस्ट है। हमने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एक वेरिएबल के नाम से, उस वेरिएबल में हमने क्या स्टोर करवाया, हमने सम का फंक्शन लगा दिया और उसमें मार्क्स का सम कर दिया, फिर हमने प्रिंट कर दिया टोटल मार्क्स। अब अगर आप किसी प्रोफेशनल लेवल पर जो प्रोग्राम लिख रहे हैं और वो आपसे पूछें कि बताएं इसकी कम्प्लेक्सिटी क्या है, टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या है, आसान अल्फाज में टाइम कम्प्लेक्सिटी ये कि इस प्रोग्राम को रन होने में कितना टाइम लगा है कंप्यूटर को या प्रोसेसर को, और इस प्रोग्राम के पीछे मेमोरी में जो चीज़ें सेव हुई हैं क्या वो बहुत ज़्यादा मेमोरी तो नहीं। ये प्रोग्राम एफिशिएंट या अच्छा प्रोग्राम तभी होता है ना कि वो जब प्रोसेसर को उस पर कम से कम मेहनत करनी पड़े, कम से कम मेमोरी देनी पड़े। बिल्ट इन फंक्शन हम जितने भी यूज करते हैं जैसे सम का फंक्शन है, एक्सटेंड है, रेंज फंक्शन या कुछ बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, हमने ऊपर काफी पढ़े हैं, उन सब की अपनी कोई ना कोई कम्प्लेक्सिटी होती है, टाइम कम्प्लेक्सिटी भी, स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी, क्योंकि उनके अंदर पूरा एक प्रोग्राम लाइब्रेरीज में सेव होता है ना। अब हम लोगों को नहीं पता कि वो कितना टाइम मैम प्रोसेसर को उसको देना पड़ेगा सब कुछ। तो जब हम लोग कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं या फिर कोई ऐसी प्रोग्रामिंग जिसमें हमसे कम्प्लेक्सिटी या एफिशिएंट प्रोग्राम लिखना हमारे से वो चाह रहे होते हैं, तो हम लोग फिर कोशिश करते हैं कि हम बिल्ट इन फंक्शंस कम से कम यूज करें। फॉर एग्जांपल इधर अगर हम फॉर की लूप की बात करें तो लूप की कम्प्लेक्सिटी इतनी ही होगी जितनी दफा लूप चलेगा। अब अगर मैं आपको टेक्निकल टर्म्स में बताऊं कि ओ व्हेन इसकी कम्प्लेक्सिटी, तो वो आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन जे के हम लूप जब चल रहा होता है तो उसकी वर्स्ट कंडीशन के इतना इससे ज्यादा टाइम वो नहीं लेगा, वो हमें पता होता है। अगर हम इसी प्रोग्राम में बहुत सारे फंक्शंस यूज कर देंगे बिल्ट इन फंक्शंस, तो हो सकता है उसकी कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाए, हो सकता है हमारा प्रोग्राम उतना एफिशिएंट ना रहे। इसलिए ये जो अल्टरनेट वेज होते हैं ये भी हमें आने चाहिए। अगर तो हमने जल्दी जल्दी लिखना है प्रोग्राम एंड करना है, हम डजेंट मैटर कि वो कितना कंप्यूटर पे बोझ डाल रहा है, फिर हम लोग इस तरह की काम कर लें कि अपना टाइम बचा लें, ये फंक्शन यूज कर लें। लेकिन ऐसी जगहों पे जहाँ पे हमारा प्रोग्राम का एफिशिएंट होना जरूरी है, फिर हमें इन चीज़ों की मदद लेनी पड़ती है और उसके लिए हमें ये कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। इस बात की ये बात आपकी क्लियर हुई शुमाइला?
मैम एक्चुअली ये सम वाला मैंने अपने उसमें गूगल कोलैब में किया ना, तो मेरा रन हो रहा है, यहाँ क्यों नहीं हो रहा, मुझे ये बात नहीं समझ आ रही। मतलब मैंने उसे लिस्ट दी 1, 2, 3, 4 और 5 की, तो मैंने सम उसको कहा तो उसने मुझे 15 आंसर दे दिया, तो ऐसा क्यों हो रहा है मैम? मेरे उस पर तो ये वर्क कर रहा है। प्रोबेबली हम ऊपर कोई ऐसा वेरिएबल तो नहीं हमने यूज किया, क्योंकि हमारी फाइल छोटी नहीं है ना, बहुत बड़ी फाइल है, पता नहीं क्या क्या फंक्शन है। मैम मैं आपको जरा प्रिंट, वो अपना प्रिंट करके भेजती हूँ चैट में, आप जरा देखें उसको। हाँ जी, आप थोड़ा जल्दी भेजें। जी मैम, टोटल मार्क्स के आगे अगर हम प्लस का साइन यूज कर, ऑपरेटर यूज करें प्लस, सम हटा देना यहाँ से। एक मिनट बिलाल, यहाँ पे सम को जी, सॉरी जी, सम को हटा दो। सम को हटा दिया, ठीक है। यहाँ पे आप कह रहे हैं कि प्लस, प्लस आगे थोड़ा ऊपर फार इन, वही फिर वो तो बात वही आ जाएगी ना कि लूप यूज किया, लेकिन यहाँ पे बात यही हो रही है कि लूप की जगह पे फंक्शन यूज करना है हमें। मैम मैंने आपको सेंड कर दिया, आप जरा वेट करें। हाँ जी, प्रोग्राम सेम ही है। मेरे पास अभी भी एरर आ रहा है। हम लोग कल यहीं से डिस्कस करेंगे, और पहले इस एरर से ही हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारी मीटिंग का टाइम भी एंड हो गया, इसको आप लोग भी सोचना, मैं भी इस पे थोड़ा काम करूंगी, और इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मैम।